आपकी नाराजगी बिल्कुल बजाय भाभी जी, मगर आप यकीन करें कि हम सिर्फ घर के ही अफराद थे। तो घर के लोगों में हम भी तो शामिल ही है ना। अगर आपका यही प्लान था तो मेहंदी की रात निकाल रख लेते, हम भी खुश हो लेते। आप लोग हमारे लिए बहुत अहम है, बस ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि जैसे बिना बताए निकाह किया वैसे ही बिना बताए शादी कर लेंगे आप लोग। जैसे गैरों से हमें निकाह का पता चला वैसे ही रुखसत का ही पता चल जाएगा। अभी तो मैं तुम्हारे साथ और बहुत बुरा कर सकता था, इसलिए ये सब बातें मत बोलो। जितनी जल्दी हो सकता है यहां से भाग जाओ, वरना वरना क्या वरना क्या तमाशा लगाने के लिए तुम्हें यही जगह मिली थी दानियाल? ठीक है, बचपन से पता है मुझे तुम्हें खानदान की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, लेकिन वो बहन है तुम्हारी, उसकी इज्जत का तो ख्याल करो। यही तमाशा जो कल खड़ा हुआ है ना, उसको जट से उखाड़ने के लिए आया। ना रहेगा पास, ना बजेगी बांसुरी। ये सब बाद में देखना, तुम्हारी बहन का घर तकरीबन टूट चुका है, उसे बचा लो जाके, ये ना हो कि बाद में पछताना पड़े। क्या मतलब है वो देखो, देखो